लेकिन हम लोगों ने सरकार से बहुत साफ कर करके इस बात को लाया कि भाई जो आदमी मदद कर रहा है, जो किसी की जान बचा रहा है, उसको आप इस तरह तंग करेंगे तो आपको कोई सपोर्ट करने में मिलेगा नहीं। हमारे कलीग थे डीसी किशोर, वो नालंदा में कॉलेज, उनका एक्सीडेंट हुआ शाम में 7 बजे 6-7 बजे नालंदा में कॉलेज इनाम देकर था, कोई बताते थे वो स्कूटर से गिर गए। 2 घंटा के बाद मैं अपना क्लिनिक खत्म कर उधर से जा रहा था, उनका स्कूटर पर मेरा बाइक पड़ा। अरे किसी ऋषि किशोर साहब का स्कूटर है, किसे गिरा हुआ? तो देख रहे ऋषि किशोर साहब का पड़े हुए हैं, चिल्लाते रहे, कोई आदमी उसको मत। तब मैं फ्रैक्चर था लगा कर ले जाते। ये हालत एक डॉक्टर के साथ एनएमसीएच के ठीक सामने, जस्ट बिकॉज कि लोगों को इस बात का डर रहता है कि हम अपना। लेकिन अब पुलिस डिपार्टमेंट से भी हम लोगों ने ऐसा नियम कानून पास कराया है कि अब रोगी को बचाना है, और इसके लिए सरकार अब हम लोगों को जैसे नियम बन गया है ना कि सरकार हम लोगों को तंग नहीं कर सकती। तो हम चाहते हैं कि समाज उसमें अब हमारे साथ आए। और कैसे वो इतना खुश हुआ कि उसको बोल रहे क्या क्या बात है, इतना बड़ा काम कर लीजिए हमारे भाई को बचा लिए, उसको और खुशी हुई। फिर से 2 दिन जाकर के घर को उसको शुक्रगुजार हूँ मुझे पता चला सेवा करने से कितनी आपकी खुशी होगी। तो आप समूह में ये आप संतुष्टि का एक जरिया, आप कोई भी ऐसा आदमी जो आपको सड़क पर मिले ये ताकत बिना भटकाए कि पुलिस से मत मिलना जाएंगे, हम पुलिस से कर नहीं पाएंगे। कोशिश करिए जो आप जानते हैं जितना जानते हैं उससे उस आदमी को मदद करने की कोशिश कीजिए, और आप पाएंगे तो आपको जितनी आप संतुष्टि मिलेगी वो आदमी बच जाता है, उतना कहीं नहीं। सर्विस क्या है इसको आप तभी समझ सकेंगे जब किसी को आपने लीड में सर्विस दिया। और बिहार हॉस्पिटल एसोसिएशन, डिवीजन हॉस्पिटल एसोसिएशन आप सबों को उस तरह से ट्रेन करना चाहती है कि आगे आने वाले दिनों में आपको अगर मौका मिले तो उसको कर करके आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, और आपको आपको एक ऐसी आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि आप शायद परोक्ष रूप में या संयुक्त रूप में हॉस्पिटल एसोसिएशन बिहार हॉस्पिटल। मेरी वक्तव्य के साथ में अपने मालिक को विराम देता हूँ, और हमारे रिश्तेदार आपसे बताएंगे कैसे कैसे इसका कल 4 अगस्त को हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। Our main aim is to train as much as people possible through webinar so that हमारे समाज को मैक्सिमम इसका फायदा हो। धन्यवाद आप सबों को, नमस्कार। और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आपने बहुत सी बातें, बहुत सी उपयोगी बातें हमारे सर के सुन चुके हैं, मधुसूदन जी ने सुन चुके हैं। मैं कुछ और बातें इसमें ऐड करना चाहूँगा, ज़्यादातर बातें उन्होंने आपको बता दी हैं, ज़्यादातर बातें आपको उन्होंने बता दी हैं। मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें और इम्पोर्टेंट बातें आपको क्लियर करना। जीवन में अगर एक चीज कोई सच है तो मौत, लेकिन अगर वो नेचुरल होती है तो अफसोस नहीं, लेकिन किसी एक्सीडेंट से होती है तो तकलीफ होती है। उसमें उस तरह के मरीजों को बचाने का अभ्यास हम लोगों ने शुरू किया है। पहले तो 2 बातें डेथ के बारे में, एक तो क्लिनिकल डेथ होती है, कहते हैं भाई सांस रुक गई, हार्ट रुक गया, सारे लोग यही समझते हैं कि अब तो मौत होगी, कुछ नहीं करेगा। और दूसरा एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं बायोलॉजिकल डेथ, जिसमें कि ब्रेन की डेथ। क्लिनिकल क्या क्या आपको लेना चाहिए, कैल्शियम, विटामिन कब तक लेना, बहुत से एजुकेटेड लोगों में भी कंफ्यूजन रहता है कैल्शियम कब कब तक ले, कहीं स्टोन तो नहीं बन जाएगा, ये सारी बातें हम लोग बताएंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है वो बताएंगे। और मैं एक बात बताऊँ, चौकिंग एक प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं हम लोग मिथिला में सड़क गया, कोई बच्चा है और खा रहा था और सड़क गया, और उसके बाद आप देखिए तो सांस नहीं ले पा रहा, वो 2-4 मिनट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और सांस नहीं ले पा रहा और थका आदमी देख रहा है कि कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं।